प्रदेश की हर न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को दबाएं और हमारी खबरें आपको कैसी लगी इसका सुझाव देने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। राजनीति में समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। एकजुटता उन चेहरों में भी नजर आने लगती है जिसे दूर दराज का समझा जाता है। ऐसा करने में कांग्रेस भी कोई कोर कसर छोड़ती नजर नहीं आ रही। इसी कवायद में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर पूर्व कृषि मंत्री के निवास पर पहुंचे व कार्यकर्ता बैठक को संबोधित किया। यहां पर पूर्व कृषि मंत्री परमवीर सिंह व उनके छोटे भाई पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी रणधीर सिंह ने मंच से अशोक तंवर को जिताने की जोरदार अपील की, जिसमें कहा गया कि यह कांग्रेस का चुनाव है, अशोक तंवर पार्टी के नुमाइंदे हैं, इसलिए कोई सवाल नहीं, बस जुट जाओ और अशोक तंवर को जिताओ। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अशोक तंवर ने भी हर पहलू पर वार करते हुए अपनी बात रखी, जहां उन्होंने आपसी मतभेद को खराब वक्त की मार बताया। वहीं कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कांग्रेस को जिताने की बात कही। उन्होंने कहा कि वक्त खराब हो तो ऊंट पर बैठे को भी कुत्ता काट लेता है। उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला को निशाना बनाते हुए फिर से घुंघरू के लठ वाली बात कही। वहीं सुषमा स्वराज के बयान की पुलवामा में कोई नहीं मरा पर कहा कि हरियाणा भाजपा से जनता का सवाल है कि वो ही बता दे कितने मरे हैं। वहीं उन्होंने भाजपा पर देश की सभी संस्थाओं को खत्म करने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर इस बार भाजपा की सरकार बनी तो यह वोट आपका आखिरी वोट होगा। वहीं मंच से मोदी की सेना वाक्य पर बयान करते हुए कहा कि मोदी की सेना को चुनावों में देख लेंगे। वहीं नैलो के गठबंधन में भाजपा के अंबानी पर बयान करते हुए कहा कि नैलो कहती है अलायंस अलायंस, वहीं भाजपा कहती है रिलायंस रिलायंस। आखिर में स्थानीय विधानसभा में टिकट के सवाल पर द्वंद को लेकर कहा कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी अशोक तंवर उसमें खुद के चुनाव से भी ज्यादा का काम करेंगे। अशोक तंवर का पूर्व कृषि मंत्री के निवास पर कार्यकर्ताओं की बैठक लेना यह दर्शाता है कि कांग्रेस आपसी विरोध को जनता में मिटाने की कोर कसर का निशान नहीं छोड़ना चाहती, पर वो अपने इस कार्य में कितना सफल होती है ये तो आने वाले चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। हमारी जितनी और दूसरी संस्थाएं है, सीबीआई है, ईडी है, जितने भी और दूसरे इलेक्शन कमीशन है, सबको खत्म करने में सरकार लगी हुई है। और लोगों ने आम चर्चा ये होती है कि अगर ये गलती से दोबारा आगे तो फिर ये वोट आखिरी वोट कर देना, इसके बाद आपका वोट का अधिकार भी छिन जाएगा। आप वोट का अधिकार छिनवाना चाहते हो, जितना आप मेरे सामने मंत्री जी के सामने किसी के सामने बोल लेते इतना बोल सकते हो क्या, फिर ताना शाही नहीं बोल पाओगे। इसलिए अगर धारा और स्वतंत्रता रख रही है कायम, तो उसके लिए जरूरी है कि कांग्रेस पुणे देश और प्रदेश में आए। अस्पताल आज फेल हो जाते हैं, आप लोगों को बात करोगे किसी का हाथ फेल नहीं हो रहा। ठीक है, जो देश के सबसे बड़े भारतीय मुख्यमंत्री है बोले मोदी की सेना, अरे मोदी की सेना कैसी अभी देख रहे हैं इस चुनाव में, इसी चुनाव में देख रहे हैं मोदी की सेना। क्या लेकर पहन करके घूमते थे, इनकी पेंट जिंदगी पूरी होगी और उसे जरा पांच साल करते उन्होंने कुछ नहीं किया, आगे निकल से रंग दिया, आगे से पूरी से निकल दी इनकी। लेकिन असली जो सेना है वो देश की सेना है, इस भारतवर्ष की सेना है। और दोस्तों कोई बोला साढ़े चार सौ वाले में और चार दिन पहले सुषमा स्वराज बोली कि कुछ नहीं माना गया, ये खुद हम नहीं कर रहे, ये देश के कुछ सवाल है। तो आपके माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहते हैं, या हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वही बता रहे हैं कितने मारे गए। लेकिन इस तरीके से देश बर्दाश्त नहीं करेगा, क्या सेना का राजनीतिकरण करेगा। घुंघरू वाले घर क्या करती है आपको भी सफाई करेंगे, वो घुंघरू वाले घर बजा बजा करके आपने वोट मांगे हैं, तो अपने आप घुंघरू वाले की याद आ जाएगी और आपको वोट भी देंगे। तो इसलिए ताकत लगाइए, भारत हमारी किसी के प्रति डिसलाइक भी हो सकती है, हो सकता हम लोग भी हो, लेकिन कई बार जब सार्वजनिक तौर पर कोई बातें करते हैं, अगर मैं कहूंगा आप किसी का सपोर्ट करें आप वोट करो, अगर आप कोई कहेंगे कोई मेरा सपोर्ट होगा किसी का होगा वो वोट होगा, तो हम थोड़ा सा मर्यादाओं का वो ध्यान रखते हैं, यहाँ सबका मान सम्मान है। इसलिए मैं पार्टी नहीं बनूंगा, पार्टी जिसको टिकट देना चाहे अशोक तंवर जितनी मेहनत अपने चुनाव में करी है उससे ज्यादा मेहनत करेगा। हमने पूरी विधानसभा दी, उससे अनुपात में जो समय दे सकते थे उस समय दिया,
छोटे मोटे मतलब ध्यान में ध्यान ये कहें कि मतलब बिल्कुल नहीं थे और उसका कई बार कारण परिस्थितियां होती है। कहते हैं समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान और भाई समय जब खराब होता कहते उसके ऊपर बैठने वाले को भी होता तो अपने को भी समझ लो कि भाई कोई पता खा लिया होगी। तो इसलिए साथियों जो मैं बात कहना चाहता हूँ कि समय खराब होता और कुछ नहीं होता। मैं अगर 12 तारीख तक अपना पूरा समय विधानसभा में उन्होंने आवाज उठाई और कतर और मोदी की गोदी में धरी वो खिलाते रहे इनको, अब फिर खिला रहे ठीक है ना, अभी फिर खिलाएंगे इनको क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आएगा फिर कुछ ना कुछ सेटिंग कर देंगे। अभी भी कह रहे थे कि जी हमारे साथ गठबंधन कर लो, लेकिन दुर्भाग्य की बात इससे ज्यादा इन लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकती कि जिनके पीछे पहले ये बात भाजपा पहले इन लोगों के पीछे बात की थी, इनकी बी टीम थी, आज बी टीम को ए टीम होगी और ए टीम बी टीम होगी और ये करने इन लोगों वाले अलाइंस कराए और मोदी और खतरे खतरे रिलायंस कराए टोहाना से नवल सिंह की रिपोर्ट, हर न्यूज हरियाणा।